तुम आई हैव दीज वेरी गुड ग्रामर एक्टिविटी बुक ऑफ ड्रीम लैंड विच इज़ एन इंडियन पब्लिशर, और इसमें आपको ये जितनी भी बुक्स हैं वो बहुत ही अच्छी और कलरफुल एक्टिविटी बुक हैं। मैं इसका लेवल वन दिखा रही हूँ। इसमें अल्फ़ाबेट, वॉवल्स, कॉन्सनेंट, टू साउंडस ऑफ सी जी, टू साउंडस ऑफ एस, ए बी सी ऑर्डर, वन एंड मैनी, ए और एन, वी यू, ही शी इट दे, नेमिंग वर्ड्स, आर इज़ एम का इंसेंट इंट्रोडक्शन है। तो ये आप देख लीजिए कि कितनी कलरफुल और कितनी अच्छी एक्टिविटी बुक है। ये बिगनर्स की के लिए डिज़ाइन की गई है। ये वाला जो लेवल है फर्स्ट, ठीक है, इसमें इस तरह की मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं। वेयर आर, तो बच्चे ने खुद लगाना है, वी आर दे गोइंग, पैगी एंड डैश बेस आर, पैगी एंड डैश आर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। इस तरह से वी यू आर का, ही शी इट दे का कॉन्सेप्ट कि बिल्कुल बिगनर लेवल है, तो इसमें ये तमाम टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप करवाए जा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये इसका इनसाइड है, बहुत ही अच्छी और बेहतरीन एक्टिविटी बुक। मैं अलग से इनकी पिक्चर्स भी पेज पे अपने लगाऊंगी जो भी बुक का इनसाइड होगा, ताकि पिक्चर में भी आप लोगों के लिए देख कर बाय करना आसान हो जाए। नाउ दैट यू हैव रीड द स्टोरी, राइट द सेंटेंसेज एज अ स्टोरी, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन रिटन टू द प्रिंसिपल आस्किंग फॉर सिक लीव, ठीक है। इस तरह से करके बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इस ग्रेड में बच्चे सीखते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल आस्किंग फॉर सिक लीव 2 डेज। इसमें यह है, रीड द स्टोरी गिवन बिलो और लुक एट द पिक्चर ऑफ द पॉजेस बिलो, राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द पॉजेस, द फॉक्स एंड द क्रो की स्टोरी है, ठीक है। तो ये 6 ईयर्स के लिए है रिकमेंडेड। फिर उसके बाद इसका लेवल 2 मैं आपको शेयर करती हूँ, ठीक है। लेवल 2 में ये कॉन्टेंट्स हैं, ए बी सी ऑर्डर, द साउंड ऑफ यू एंड वाई, द टू साउंड ऑफ डब्ल्यू, नेमिंग वर्ड्स, मी यू अस, ऑन योर देयर इट्स, इज दिस इज दैट आर दिस का कॉन्सेप्ट है, एडिंग एस और ईस, डूइंग वर्ड्स, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, डूइंग वर्ड्स, प्रेयर, ऑर्डर, एडवाइस, एक्शन गोइंग ऑन, एक्शंस इन पास्ट, एक्शंस इन पास्ट और द पास्ट फ्रॉम नेगेटिव, ये इसमें जो है चीज़ें हैं। और ये इसकी एक्टिविटीज़ हैं सारी, इसके कलरफुल पेजेस और इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सारी, इसमें बेस्ट क्वालिटी की बुक है, ठीक है। एड ई और ई एस आई ई एस टू द वर्ब्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, डू और डस का ग्रामर प्रैक्टिस है, डूइंग वर्ड्स, ये तमाम इसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं। मैं अभी वैसे ही रैंडम पेजेस शो कर रही हूँ जल्दी में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी वरना, ठीक है। लुक एट द पिक्चर शोन हेयर, द क्लूज, टेक क्लूज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस, ठीक है। इस तरह से क्रिएटिव राइटिंग की भी एक्टिविटी है और मल्टीपल इसमें एक्टिविटीज़ हैं। फिर ये इसका मैं लेवल 4 दिखा रही हूँ, जिसमें से 3 मिसिंग है, 3 अवेलेबल नहीं है। इसमें हम लेवल 4 में देखते हैं क्या क्या है। लेवल 4 के कंटेंट को देखते हैं, इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स, लेबल्स और सेमी कॉन्सनेंट, सेमी वॉवल्स, नाउन्स, क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन्स में पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ अ सिंपल सेंटेंस, एडजेक्टिव, डिटरमिन्स, और ये सारी इसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं। और ये इसका जो है इनसाइड है इस तरह से, ठीक है, ये आप इसका देख सकते हैं। किसी ने अगर इसकी पिक्चर लेके देखनी है तो मुझसे पिक्चर के थ्रू भी मांग सकता है। अभी इसका मैं 5 दिखा दूँ आपको, ये 5 है, ये 5 में सारी चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस, ये सारी इसकी एक्टिविटीज़ हैं। तो और ये इसके पेजेस हैं, ठीक है। और ये इसका 6 लेवल है, 6B, और 8 तक मेरे पास इसमें लेवल अवेलेबल है, सिर्फ 3 इसमें अवेलेबल नहीं है। कैपिटलाइजेशन, लेबल्स, नंबर, सिंगुलर, प्लुरल, जेंडर, प्रोनाउंस, सारी इसके अंदर ये वाली एक्टिविटीज़ हैं। ग्रेड 6 की हैं ये। ठीक है, ये इसके इनसाइट्स को देखते जाएं आप लोग। ग्रामर प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवाई है इसमें, कॉम्पोजिशन, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, समराइजेशन ऑफ लेटर, कॉम्पोजिशन, सब कुछ है, कॉम्प्रीहेंशन, सब कुछ है इसमें, ठीक है। ये बुक 7 है और बुक 8 है, फिर इसी तरह ये बुक 7 है।
ठीक है, लेटर राइटिंग, और ये बुक 8 है, ये भी देख लें। आपको जो भी टाइटल, जो भी अपने बच्चों के एज के हिसाब से लेना हो तो आप वो ले सकते हैं। थैंक यू।